जी यस बच्चो गुड इवनिंग। तो पहले जान पहचान कर ले, आप लोग मेरे को जानते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत कोई जानता है, मतलब कोई किसने सुन रखा है? एक ने भी नहीं, चलो एक ने तो सुन रखा है, दो तीन चार ठीक है पांच। मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरा नाम है सीए विजय सारडा, मैंने सीएसबी किया है और मैंने बीकॉम किया है और मैंने ट्वेल्थ किया है, मैं टेंथ भी किया है और मैं एलकेजी यूकेजी तक के पढ़ा हुआ हूँ। सो कंप्लीटेड माय सीए एंड सीएस एट द एज ऑफ 21 एंड इट्स बीन 10 इयर्स जब मैं ये टीचिंग में हूँ, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। व्हाट आई टीच एट फाउंडेशन लेवल, आई टीच इकोनॉमिक्स, एट इंटर लेवल आई टीच डायरेक्ट टैक्स, एट फाइनल लेवल आई टीच टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो ये वो है जो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेक्चर में पता चल जाएगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, राइट? एक चीज़ का आप सभी से वादा है, या आपने आपके कोई सीनियर या कोई कभी जुड़े होंगे इस कोर्स में तो उनसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, एक वादा आपसे ज़रूर है और वो ये है कि ये लेक्चर आपके दिन का फेवरेट लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर होगा ये आपके दिन का फेवरेट लेक्चर होगा। दूसरी वार्निंग, मैं उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैंने कही, वो नहीं जो आपने समझी। तो ऐसा मतलब कुछ भी इधर उधर मत भटक जाना, मैं बहुत सिंपल साधा इंसान हूँ, मेरे को बिगाड़ना मत, ठीक है? सो मालिक, ये जर्नी जो है, आई थिंक आप लोग का अब ट्वेल्थ शुरू हो चुका है, ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है एंड ये जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये कोर्स क्या देता है, या आप इस कोर्स में क्यों हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, आप इस कोर्स में क्यों हैं? क्यों है भाई आप इस कोर्स में, मतलब सीए ही क्यों करना है? यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर देखो, अच्छा पहली बात ना, ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, तो ऐसा डरना मत। मैं मतलब थोड़ा आत्मा आती है मेरे अंदर, ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे डरना मत जीवन में। हाँ कर दो भैया, पूरा कर दो भैया, कुंडी लगा लो सैया, तुम्हें जन्नत दिखाती मैं। सो सर सीए क्यों करना है, चलो जल्दी से बताओ क्यों करना है? पैसा, सर पैसा मिलता है, बहुत पैसा है लाइफ में, बहुत, मतलब कितना पैसा, जैसे कितना पैसा, लगभग कितना रुपए पर मंथ सोच रहे हो? अरे कंप्लीट होने के बाद कितने रुपए पर मंथ सोच रहे हो, बोलो ना रे, जवाब दो ना, मैं अकेले थोड़े दिन बात करूंगा। 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ इतना मिलेगा, 1 लाख रुपए पर, 501 के पीछे, इससे ज्यादा का खर्चा होगा तुम्हारा, समझ रहे हो सर क्या बोल रहे हो? एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, तुम एक कमाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा का तुम्हारा खर्चा होगा। सर तो फिर आपका कितना, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछते, नहीं मतलब सर फिर कितना कितना सोचे हम, बहुत ज़्यादा, 1 लाख रुपए अगर आप कमाने की सोच रहे हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ आपको, 4.5 लाख रुपये महीने का तो मेरा खर्चा है। सो ये बात तो फिक्स हो गई कि तुम यहाँ पे चिल्लर के लिए नहीं हो, चिल्लर मन तो 1 लाख रुपए, हाँ तुम हमारे लिए ये चिल्लर रहेगा क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट, हाँ खोल दो यार, बेचारे तड़प रहा है अंदर आने के। सो बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए कमाएंगे तो आप बहुत छोटी वैल्यू सोच रहे हैं इस कोर्स में। हाँ ये बात पक्की है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे लगभग वैल्यू उतनी ही रहेगी जिससे आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन विद इन 3 ईयर्स मैक्स विद इन 3 ईयर्स ना भाई, तू 1 लाख रुपए तेरे लिए बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, सीए पैसा तो कमाता ही है, ठीक है और क्या करता है, और क्यों आए हो इस कोर्स में, क्या है? सर पैसा, इज्जत बोल सकता हूँ मैं, हाँ इज्जत रुतबा, हाँ सीए बोले तो ऐसे देखते हैं ऐसे, ठीक है इज्जत है, और अच्छा चलो और कुछ एक सवाल पूछता हूँ, सीए करता क्या है? ऑडिट, हाँ चलो व्हाट सीए डू, ऑडिट। सर ऑडिट मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आज ये समझते हैं पहले सीए करता क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर हम किसी सपने के लिए आए हैं यहाँ पे तो पहले ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि सपना है कैसा। ये जो लेक्चर है इस
इस दौरान ना शायरी भी होगी, तो उसकी शायरी के कुछ रूल्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहला, अब करना क्या है, ऑडिट करते हैं हम लोग। ऑडिट मतलब क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट ने ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कई सारे एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, यू नो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, GST हो गया, दुनिया भर के लॉ है। ये लॉ का कंप्लायंस क्लाइंट ने सही तरीके से किया है या नहीं, ये हम सर्टिफाई करके गवर्नमेंट को बताते हैं दैट यस ये कंप्लायंस इसने किया है, ये कंप्लायंस इसने नहीं किया। मतलब आप कई बार सोचते हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारता होगा, तो उसको कैसे पता चलता होगा कि यार इसने कुछ गलत किया है तो इसके ऊपर रेड मारनी है? वो इस बात से पता चलता है क्योंकि हमारा रिपोर्ट आता है वहां पे कि इसने ये सही किया और ये गलत किया है। तो पहला, हाँ हम ऑडिट करते हैं। दूसरा, हम क्या करते होंगे आपके हिसाब से? चलो दिन भर तो ऑडिट करते नहीं होंगे हम। हाँ जी, कंसल्टेंसी, वेरी गुड सर, कंसल्टेंसी करते हैं हम। क्या कंसल्टेंसी, किसको कंसल्टेंसी, क्या कंसल्टेंसी करते होंगे, किसको कंसल्टेंसी करते होंगे? आ जाओ सर, क्या कंसल्टेंसी करते होंगे, किसको कंसल्टेंसी करते होंगे? अंडरस्टैंड, आज कोई भी व्यक्ति जब कोई डिसीजन लेने जाता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। नाम क्या भाई तेरा? देवांग। सपोज देवांग, ठीक है, अपने प्रिय मित्र के साथ पहली बार खुद का घर लेने गया। जब ये अपने प्रिय मित्र के साथ पहली बार घर लेने के लिए गया, वहां पर निगोसिएशन हुआ, द प्राइस डिसाइडेड वाज 60 लाख रुपीज फॉर दैट हाउस। अब ये 60 लाख रुपए में से इसको टैक्स भी बचाना है, इसको पैसे भी बचाने हैं और काम भी लीगल करना है, तो क्या किया जाए? अब यहां पे इनकी कंसल्टेंसी काम आती है। पहला, जितनी गवर्नमेंट वैल्यू है उतना वैल्यू तो तुमको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट वैल्यू से ऊपर होता है, तो गवर्नमेंट वैल्यू जितना है उतने पे तो वैल्यू दिखानी ही पड़ेगी। ये कंसल्ट करेंगे कि भैया उतनी वैल्यू आप काय में दिखाओ, वाइट, बचा हुआ काय में दे दो कैश। अब आप ये पूछेंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा? भाई जी, फायदा ये है कि जितना अमाउंट कैश में दे रहे हो वो रिकॉर्ड्स में तो रहेगा नहीं, उतने पे 6% का स्टैम्प ड्यूटी बचेगा। उतने पे 6% का क्या बचेगा? स्टैम्प ड्यूटी। तो अब बताइए, क्या क्लाइंट को फायदा हुआ? हुआ। इसका जो व्हाइट का पैसा है उसको ब्लैक में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरीके से काम होता है। इससे 6% का स्टैम्प ड्यूटी बचता है, 5% का GST बचता है। कितने परसेंट का? 5% का GST बचता है और इनकम टैक्स बचा वो अलग। सो हम, दूसरी चीज, क्या हम टैक्स चोरी करवा रहे? छी, प्लानिंग चोरी करवा रहे हम? छी, बहुत गंदा वर्ड है, प्लानिंग। क्या करवा रहे हैं? प्लानिंग। तीसरी चीज, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? सर हम प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज। हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एडवाइजरी। वैसे बहुत से लोग कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी को वन एंड द सेम थिंग बोलते हैं, हम इसे अलग कहते हैं। कंसल्टेंसी इज आफ्टर एक्टिविटी, वेयर एज एडवाइजरी इज मैक्सिमम केसेस में बिफोर एन एक्टिविटी। तो एडवाइजरी सर्विसेज होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं। अभी एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती है, चलिए आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। हम सब जानते हैं कोलगेट, यस, कोलगेट, किटकैट एंड सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे राज है जो आपको बताने जा रहा हूँ, पर चाय पिलाओगे तो बताऊंगा। चाय पिलाओगे? चाय पिलाओगे मेरे को? ठीक, सुनो, हम सब जानते हैं क्रिकेट के भगवान कौन है, क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, एक्टर है। माई होल लाइफ वॉज लाइ सर, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट के भगवान, आपने खुद ने कहा? नहीं, एक्टर है। तो बात उन दिनों की है जब सचिन तेंदुलकर सर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे थे। अब अर्निंग करने के कारण बींग एन एथलीट उनका जो टैक्स रेट था ये हाई था, एंड बींग एन एंटरटेनर दैट इज एक्टर जो टैक्स रेट था ये कम था। तो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने इनकम टैक्स में डिक्लेरेशन दिया दैट सचिन इज एन एक्टर। इनकम टैक्स वाला खुद परेशान, इनकम टैक्स बोलता है इधर बावड़ा हो गया तो? बुद्धि मारी गई है, मैं खुद बचपन से देखते आ रहा हूं सचिन को, क्रिकेटर है वो। नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। पॉइंट ऐसा है, हमारा रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से देखिए और हमारा रेवेन्यू क्रिकेट से देखिए। द रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इज मोर देन क्रिकेट, सो आर मेन एक्टिविटी इज एक्टिंग
एंड नॉट क्रिकेट. क्रिकेट इज अ हॉबी. क्रिकेट इज अ हॉबी. दिस सेव्ड करोड़ ऑफ रुपीज फॉर सचिन तेंदुलकर. आप विराट कोहली देख लीजिए, एम एस धोनी देख लीजिए, सब एक्टर है. सब कौन है? एक्टर. क्रिकेट इज अ हॉबी. किटकैट खाइए कभी? किटकैट किटकैट वो बीच से तोड़नी पड़ती है वो किटकैट. अगर मैं आपसे कहूं किटकैट एक बिस्किट है, कैसा लगेगा सुन के? अजीब, क्योंकि बचपन से हम सबने किटकैट खाई है. वो बीच में से तोड़ के नहीं खाते, वो वाली. हाँ वो वाली. किटकैट एक बिस्किट है विद अ चॉकलेट फ्लेवर. हाँ ये कैसे हो गया सर? सर ये हुआ ऐसे कि किटकैट वाले जब कोर्ट के अंदर में गए, बिस्किट्स के ऊपर जो था, क्योंकि ये FMCG गुड्स के अंदर में आता है और घरेलू चीजें बिस्किट्स चाय के साथ हर कोई लेता है, तो बिस्किट्स के ऊपर जो टैक्स रेट्स थे वो कम थे. वेरास जो चॉकलेट्स थी इसके ऊपर टैक्स रेट्स ज्यादा थे. उन्होंने कहा आप किटकैट खोलिए सर, उसके अंदर का चॉकलेट हटाइए, आपको बिस्किट दिखेगा. वेफर बिस्किट. इट्स अ वेफर बिस्किट विद अ चॉकलेट फ्लेवर. इट्स अ वेफर बिस्किट विद अ चॉकलेट फ्लेवर. एंड दे मैनेज टू प्रूव इट राइट. दे मैनेज टू प्रूव इट राइट. अल्टीमेटली सेव्ड करोड्स ऑफ रुपीज फॉर अ कंपनी. तो आपका जो वैल्यू बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपकी जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो किसी को इतना वैल्यू जनरेट करके दे रही है कि वो आपको इतने हाई पेमेंट्स देने के लिए रेडी हो. तीसरा, नारियल तेल कभी लगाया या यूज किया हो? नहीं, आई मीन टू से लगाया या यूज किया हो. वो यूज करते हैं ना, मतलब घर पे कुछ लग जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर आपने नारियल तेल यूज किया होगा, नारियल तेल का इस्तेमाल पैराशूट, राइट? क्या है पैराशूट आपके हिसाब से? खाने का तेल या लगाने का तेल? लगाने का तेल. खाने का तेल है, उस पर एडिबल ऑयल लिखा होता है, चेक कीजिएगा. आज घर पे जाइएगा, नारियल तेल की बोतल उठाइएगा, चेक कीजिएगा, उस पर एडिबल ऑयल लिखा है. सेम कॉन्सेप्ट. जब मैटर कोर्ट में गया, मैं बोलता यार पागल हो, जज खुद बोल रहा है भाई मैं तो खुद बचपन से लगाते आया हूँ, तुम इसको खाने का तेल कैसे बोल रहे हो? उन्होंने कहा सर देखिए, नारियल का तेल हम खाने के लिए देते हैं, लोग इसे लगा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? चलो समझ में आए, सर पे लगाए तो ठीक है, लोग इसे कहीं पे भी लगा रहे हैं सर. अरे मेरा मतलब है बॉडी पे नहीं लगता है. हाँ वही बॉडी पे लगाए जा रहे हैं सर. जख्म हुआ लगा लो, होठ पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, मतलब बेहतरीन चीज है. डब्बा नहीं खुल रहा लगा लो. डब्बा बोला मैंने, डब्बा नहीं खुल रहा लगा लो. द पॉइंट इज, एक एडवाइस जिसने करोड़ों टैक्स सेव किया. सर हम और क्या कर सकते हैं? सर हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट. हमारा एरिया बॉस ऐसा नहीं है कि हम ही कर सकते, बट उसमें जितनी चीजें हमको जम सकती है ये बहुत कम लोगों को जम पाती है. आपने श्री लेट राकेश झुंझुनवाला सर को सुना होगा, नाम सुना होगा कन्फर्म, बिग बुल. यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम हमारा फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं? मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीए आदित्य बिरला, सीए आदित्य बिरला, बिरला ग्रुप, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सर एक्टिंग करने का बड़ा शौक है सर मेरे को, मैं टिकटॉक पे रील बनाता था सर पहले, क्या हम एक्टिंग कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं. आप सभी लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो जरूर देखा होगा, उसके पोपटलाल, ये तो उसके पोपटलाल ये भी है. बाकी सब छोड़ो सर, और क्या कर सकते हैं हम? शार्क टैंक इंडिया में जज बन सकते हैं. देखो भाई तीन जज तो वहां पे सीए बैठे हैं, तीन जज जो है ये तो सीए बैठे हैं, अमन एंड द टू लेडी, दोनों भी जज, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है. पांच में से तीन जज तो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं. वैल्यूएशन के बारे में और क्या सिखाया जाए तुमको? तो अब शार्क टैंक में जज बन सकते हो, खुद शार्क बन सकते हो. सर और क्या कर सकते हैं लाइफ में हम? टीचर हो सकते हो, पढ़ा सकते हो मेरे जैसे, लाइफ बर्बाद कर सकते हो अपनी, तो टीचिंग में आ सकते हो. एंड नाइन्थ, कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं भी कर सकते, जरूरी थोड़ी ना मॉन्क बन सकते हो. किसने कहा है सीए बन के मॉन्क नहीं बन सकते? बन सकते हैं. कई बच्चियां जैन धर्म की ऐसी रही है, मेरी स्टूडेंट रही है, जिन्होंने सीए कंप्लीट किया और बाद में जैनिज्म में उनको ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, तो उन्होंने आगे फॉलो कर दिया, तो दे आर मॉन्क. तो हम सब कर सकते हैं, जहां जहां पैसा है
वहाँ हम हैं, जहाँ पैसा है वहाँ हम हैं, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, राइट। अच्छा जी सर, सर इनकम कितनी चालू होती है? वैसे इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ, मिनिमम 9 लाख के पैकेज चालू होते हैं आज के तारीख में, 9 से 10 लाख के पैकेज चालू होते हैं, एंड देन आई थिंक स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, जुपिटर इज द लिमिट। तुम कितना कमा सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है, यस, तुम कितना काम करोगे, कितना कमाओगे, ये सब तुम्हारे ऊपर है। अच्छा जी सर, तो अब मैं यहाँ पे क्यों? पहले ये तो समझ लिया आपने सीए करता क्या है, सीए करता क्या है, कितना कमाएगा, क्या करेगा। सर सीए करने के लिए सर कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? एनीवन कभी सुना है कितने घंटे पढ़ना पड़ता है इस कोर्स के लिए? 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता, बराबर है, करेक्ट। इतना घंटे सोते हैं सर हम अभी? इतना सोने का टाइम है हमारा? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोने का टाइम आपका 5 से 6 घंटा होगा, आई एम सो सॉरी, सोने का टाइम आपका 5 से 6 घंटा होगा और 16 घंटे तक के आपको पढ़ना ही होगा। सर मतलब लेजिट 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं? ऐसा नहीं होता, करीब 10 घंटे की तो क्लास होती है, 2-2 घंटे की एक क्लास होती है, फाइनल तक के पहुंचोगे तो 3-3 घंटे की एक क्लास होती है, ऐसे दिन में 2 या 3 से 4 क्लास होती है, एंड देन उसके बाद में 4 घंटे का होमवर्क एंड सेल्फ स्टडी। इस तरीके से आपका पूरा 16-17 घंटे होता है, और ये 16-17 घंटे भी एग्जाम टाइम पे होता है, जैसे अभी एग्जाम चल रही है तो ये एग्जाम टाइम पे 16-17 घंटे होता है, अदरवाइज 8 to 10 hours इज मोर देन सफिशियंट, जितना आपका क्लास का टाइम होता है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है सर। सर मतलब हम तो अभी कौली कौली एज में है सर, 16-17 में कब तक सीए बन जाएंगे सर? देखिए जनरली आप 21-22 तक के सीए बन जाएंगे, 5.5 साल का कोर्स है अगर अटेम्प्ट नहीं लगे तो। वैसे हो सकता है कि आपका अटेम्प्ट तो खैर नवंबर 2023 है, हो सकता है इसके पूरे चांसेस है कि न्यू सिलेबस आ जाए, 1 जुलाई को न्यू सिलेबस लॉन्च हो जाए, तो न्यू सिलेबस के अंदर में अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस आएंगे और कुछ 3.5 या 4 साल के अंदर में ही सीए कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उसका ड्राफ्ट और बाकी चीज़ें आनी बाकी है, तो उस बारे में अभी डिस्कशन करके कोई सेंस नहीं है, बट ये चल रहा है कि न्यू सिलेबस लॉन्च होगा, और जब ये न्यू सिलेबस लॉन्च होगा तो टेक्निकली आपका 3.5 साल या 4 साल में ही सीए कंप्लीट हो जाएगा। सर ऐसे कैसे टाइम क्रैश हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस किया जा रहा है सीए में, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस किया जा रहा है, एट द सेम टाइम आर्टिकलशिप का जो पीरियड होता है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। सर आपके हिसाब से इसकी डिमांड कैसी होगी फ्यूचर में चल के? एक सवाल अपने मन में आता है, क्योंकि आप अपने लाइफ का प्रीशियस जवानी सॉरी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, आप अपने प्रीशियस जवानी या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। देख मैं तेरे को एक बात बताऊं, इस कोर्स में रिसेशन आ ही नहीं सकता, पूछ कैसे, प्यार से पूछो कैसे, ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं मेरी सगी बीवी छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा से प्यार से पूछो कैसे, नहीं नहीं प्यार से पूछो, हाँ अब तुमने पूछा ना सर, वो ऐसे क्योंकि जब भी कुछ चेंज होने वाला होता है हमारे सबसे पहले लॉ ही अमेंड हो जाता है, लॉ अमेंड हो गया कि हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, जैसे हमने जब पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, हमने जब पढ़ा था एक्साइज कस्टम था, फिर GST आ गया, तो लॉ ही खुद चेंज हो जाता जिसके चक्कर में हमारे पे कभी रिसेशन का पॉइंट ही नहीं आता। दूसरी बात, कोरोना जैसे काल में भी जब पूरा भारत बंद था, सिर्फ 4 प्रोफेशन ऐसे थे जो घर से निकल सकते थे, पहले डॉक्टर्स दैट इज मेडिकल प्रोफेशनल्स, दूसरे पुलिस, तीसरे एडवोकेट्स एंड चौथे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये 4 ही ऐसे थे जो अपने घर से बाहर निकल सकते थे। मतलब कोरोना जैसी सिचुएशन में भी जब पूरा देश बंद है तो आपका काम कहीं नहीं रुक रहा, चाहे फिर ये नोटबंदी ही क्यों ना हो, नोटबंदी में तो उल्टा आपका बिजनेस और बढ़ गया, पूछो कैसे, सोच के देखो ना, नोटबंदी में तो तुम भी थे, घर के चावल के डब्बे से पैसे निकले थे, आटे के डब्बे से पैसे निकले थे, भगवान के नीचे से निकले थे, ये सारा पैसा पहला फोन किसको गया होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे डैड का, सीए को, कि भाई ये है इसका करना क्या है। तो हम वो लोग हैं जो पैसे के साथ है, अगर पैसा रिसेशन में आया तो हम रिसेशन में आए, वो कभी आने नहीं वाला, क्योंकि एक जन खर्चेगा तो दूसरा तो कमाएगा, तो हमारा ये कभी नहीं होता। डॉक्टर्स एंड सीएस के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे रिसेशंस कभी नहीं आते, तो ये हमेशा ग्रोइंग फेज में रहता है, और इतनी चीज़ें नई 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 डेवलपमेंट में आती रहती है, क्योंकि देश के लॉ बदलेंगे तो हम वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, दैट्स हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर। अच्छा सर, सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे? जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ,
इन फाउंडेशन आई विल टीच इकोनॉमिक्स देन टैक्सेशन एट बोथ द लेवल. सर ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स, बराबर है? या पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर. कितनी बार पढ़ रहे हो? आई गेस इसके पहले दो बार पढ़ चुका है, पक्का? चलिए मैं आपको एक और चैलेंज देता हूं. कई कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनका आपने पढ़ा होगा लेकिन समझ आपको इधर आएगा. उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि सीए में डेप्थ कवर होता है. क्या कवर होता है? डेप्थ. तो आपको वो चीज कवरेज के अंदर में जरूर आएगी. वेल सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके. आर यू अवेयर अबाउट दिस? आपका जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके. इकोनॉमिक्स जो है आपका ये 60 मार्क्स का है, वेयर एज बीसीके जो है आपका ये कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स. एंड दैट्स हाउ आपका 100 मार्क का एक पूरा पेपर बनता है. तो एक हो गया आपका अकाउंट्स, एक हो गया आपका मैथ्स, तीसरा हो गया आपका लॉ एंड बीसीआर, चौथा हो गया आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीए. एंड दैट्स हाउ योर 100 मार्क पेपर इज डन. तो इस 100 मार्क में से 60 मार्क का जो स्पेशलाइजेशन है उसको मैं हैंडल करूंगा. सर ये पेपर में लिखना होगा कि बिंदिया लगानी होगी? बिंदिया एमसीक्यू आपके हिसाब से? द सब्जेक्ट इज एमसीक्यू. मतलब यहां पे थ्योरी पढ़ना तो है लेकिन उसको इतना लंबा लंबा लिखना नहीं है. कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कौन बनेगा करोड़पति खेलना है. पर आप सभी को पता होगा निगेटिव मार्किंग्स होती है. हैव यू हर्ड दिस अबाउट निगेटिव मार्किंग? यस. सो निगेटिव मार्किंग्स है तो याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग में 0.25 नहीं जाएगा, 1.25 जाएगा. पूछो कैसे? एक जो आप गलत कर रहे हो उसका तो एक मार्क पूरा गया, 0.25 सही में से लेके जाएगा. सो टेक्निकली इट्स नॉट 0.25, इट्स 1.25 विच यू नीड टू रिमेंबर. हेलो मालिक, इट्स 1.25 जो आपको टेक्निकली क्या करना है, रिमेंबर रखना है कि एक गलती और आपका 1.25 लेके चल जाएगा वो. अच्छा जी सर, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि तुम दो साल से इसे पढ़ चुके हो, राइट? ये जो इकोनॉमिक वर्ड है ये आया कहाँ से है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप भी एवरेज बच्चे हो और मैं भी एवरेज बच्चा हूँ. चलिए एवरेज का मतलब समझ लेते हैं. आप में से कितने लोग टेंथ में कंपेयर करते हैं, ट्वेल्थ का तो रिजल्ट खैर आने वाला होगा आपका, कितने लोग, ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है तुम्हारा? नहीं ना, अभी एग्जाम दिए ना तुमने सीबीएसई में मीन. ओके टेल मी, आप में से कितने लोग टेंथ में 90+% लेके आए हैं? एक 95 वाले पहले उठाओ, 95+. एक दो तीन चार पाँच. क्या खाया था तुम लोगों ने? इतने आते हैं सही में 90 से 95? 80-90 ब्रैकेट. वाह. 60-70 ब्रैकेट, सॉरी 70-80 ब्रैकेट. 70-80 ब्रैकेट, वाह बढ़िया. 60-70 ब्रैकेट है, मतलब है अपने ऐसे. 50-60 ब्रैकेट, नो. 40-50 ब्रैकेट, सर क्या कर रहे हो? हाथ उठा रहा हूँ 40-50 ब्रैकेट पे. मेरे से नीचे कोई है? नहीं सर, नहीं, सच्ची कसम से. 48%. नहीं सर, कुछ भी फेंक रहे हो ना सर. हाँ मैं नहीं मानता. खुशी होती है कभी कभी दिखाते हुए, बुरा भी लगता है और कभी कभी खुशी भी होती है बताते वक्त. आओ तुम्हें बताऊं, लीजिए सर, ये आपका टीचर विजय सारडा, 48%. और स्कूल के वो ड्राइंग पेंटिंग पीटी नहीं है, वो पीटी वाला टीचर जिसका मैथ्स वाली के साथ अफेयर होता था, इंग्लिश वाली के साथ या साइंस वाली के साथ, तुम्हारे भी स्कूल में था ना? हाँ, बस उन सब का मिला करके 56, मतलब मेरे मार्क्स भी देख लो 420. मतलब मालिक अपने दोनों को टेंथ के लेवल पे कंपेयर किया जाए तो आप मेरे से बहुत ऊपर हो. बट आपको एक बात बताऊं, ये कोर्स ना परसेंटेज का है नहीं. 35% वाला भी ना इस कोर्स में एंटर कर सकता है एंड पास हो सकता है, और हमने 95 वालों को भी फेल होते देखा है. तो दिस इज नॉट अबाउट परसेंटेज, अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अबाउट परसेंटेज.
मतलब अगर मैं बात करूँ, आई हैव डन माई सी ए, आई हैव डन माई सी एस एट द एज ऑफ 21 ओनली, यस, देन आई हैव डन माई यू पी एस सी प्रिलिम्स ऑल्सो, सिलेक्टेड एज कस्टम ऑफिसर विशाखापट्टनम, आई एम अ स्टेट लेवल चेस चैम्पियन, मैं स्टेट लेवल चेस चैम्पियन भी हूँ, मैं रजिस्टर्ड ऑक्शनर भी हूँ, मतलब मैं ऑक्शन करता हूँ प्रॉपर्टी का, राइट? तो आपके परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ मालिक, ऐसा था कि टेंथ में ये परसेंटेज लाने के बाद, मतलब घर पे तो अपनी औकात ही नहीं थी कि अपन बापू को शक्ल दिखा दें, समझ रहे हो ना बात? लड़कों के साथ थोड़ा ऐसा होता है, मतलब बापू उधर दिख जाए तो लड़का इधर से गायब हो जाता, हमारा ऐसा नहीं रहता ना, पापा की परी वाला ऐसे हिसाब किताब नहीं रहता अपना, ठीक है, अपन माँ के मगरमच्छ ही ठीक है। तो जब 48% आया और ये मिला करके 56 कुछ बना, तो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरे कुछ रिलेटिव ऐसे थे, मैंने बोला मेरे को सीए करना है, होता ना टेंथ के बाद आ जाते पूरा परिवार लेके अपने यहाँ, बाजू फिर शर्मा जी का लौंडा तो पैदा ही हमारी बेइज्जती करवाने के लिए होता है, तो वो आए बोले क्या करना चाहते हो, मैं सीए, सीए करेंगे अपन। आंटी कहती है मेरे को, बोले सीए तो बेटा वो मतलब 90% वाले लोग करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लिट वॉज द लिटरल वर्ड, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब ठीक है। मेरे एक भैया है, वो भैया कहते हैं बोले यार मुझे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब 48% में तेरा क्या ही हो जाना है, ठीक है बीकॉम वीकॉम कर, ऐश कर, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरी एक बुआ है, देखो क्या होता है पता है, अपने कुछ रिलेटिव होते हैं ना इतने प्यारे होते हैं कि उनको देख के मज़ा आ जाता है। मेरी एक बुआ है, ऐसे मुझे एक नहीं 9 बुआ है, सगी कितनी 9 सगी बुआ है, एक बड़े पप्पा है, हाँ मेरे दादा बहुत प्यार करते थे दादी से, अपने दादा बहुत प्यार करते थे दादी से, ठीक है, मतलब अलग लेवल का प्यार, अलग लेवल का प्यार था दादा को दादी से, यस, सही टाइम पे होता तो शायद सारडा आईपीएल एक टीम होती, जितनी चेन्नई सुपर किंग्स नहीं थी, मेरी बात समझ लो, जितनी सीएसके नहीं थी, हाँ या ना, राइट, मुंबई इंडियंस ने नहीं जीतना था, आरसीबी वाले तुम लोग का गलत है, मतलब प्रेजम्पशन ही गलत है, यानी आरसीबी फैन ओवर हियर नहीं ना, आरसीबी ठीक है, 5-6 अटेम्प्ट रुक जाओ, शायद आरसीबी लेकर के आ जाए, भाई जितनी चेन्नई अपन अपना आईपीएल बना लेते थे। तो मेरी एक बुआ थी, बुआ बोलती है कि बोले उस टाइम पे क्या कर रहा है, बोले सीए करके क्या टाइम पास करेगा तू, कुछ अचीव तो कर नहीं पाएगा, बोले तू, यस चल मान ले पहली एग्जाम तू पास हो भी गया तो क्या ही कर लेगा तू लाइफ में, बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर अपन सीए बने, सीए बनने के बाद 2016 में नोटबंदी आई, रात का समय था, 8 बज रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 500 और 1000 का नोट बंद। धनाधन फोन आने लग गए, एक तो पहले अपन तो टैक्स पढ़ाते तो लोगों का तो पैसे से वैसे ही फट रहा है, तो धनाधन फोन। इतने में मेरी प्रिय बुआ का भी फोन आया, ये वही प्रिय बुआ थी जिसको लग रहा था अपन लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अब तो अपन सीए बन चुके थे, तो अपनी प्रिय बुआ का फोन आया, बोले अरे विजय बेटा प्रणाम, कैसा है तू, बोला हाँ मोटी अब तो तू भी फोन करेगी, हाँ तो तुला दाखा हो तो, मतलब ये कभी फोन ना करने वाली लेडी आज फोन कर रही है। मैंने बोला हाँ बुआ जी प्रणाम, कभी बात कर लिया करो, अच्छा एक तो अपने रिलेटिव से बात करो, ये पहले ना अपने को सुनाते क्यों, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, पहले सुनाए, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या, पहले सुनाएंगे, तू तो कभी फोन ही नहीं करता, हाँ तुम तो मेरे को रोज मैसेज कर रहे हो, रात में मेरे साथ चैट ही करते रहते हो, तुम तो स्नैपचैट पे एक दूसरे को अपन स्नैप स्ट्रिक बना रहे हैं लिटरली यार। फिर बोले विजय तेरे को तो पता है ना अपने वो जो फुफाजी है वो लैंड में डील करते हैं, तो उनका 65 पड़ा है बेटा, कैसे करेंगे। मैंने बोला बुआ जी 4%, मीनिंग समझा आपको, मतलब अगर मुझे आपके 65 को पलटाना है आई विल टेक 4%, 65 का 4% कितना होता है वो समझ लेना तुम। तो बोले नहीं ना विजय पागल है क्या, 4% तो बहुत ज़्यादा हो गए ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब बुआ जी मैं नहीं ले रहा हूँ, सामने वाला ये ले रहा है, ये अपने को पता है सामने सिर्फ अपन ही है, सामने वाला, नहीं नहीं विजय मैं तो ये नहीं दूंगी। बोला ठीक है बुआ जी, आधे घंटे बाद रेट बढ़ गया तो मेरे को मत बोलना। बोले मैं पूछ के बताती हूँ। 45 मिनट्स बाद फोन आया, बोले विजय वो 65 आप 4% तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फूफा जी 3 बोल रहे हैं। बोला बुआ जी 5, टाइम इज मनी,
टाइम इज मनी. मैं बोला बुआ जी 5. देख समझ, रिलेटिव है, घर पे आ, 5 दिन रुक, नाश्ता कर, खाना खा, सो, मजे कर. धंधे में कोई दोस्ती नहीं, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं. बहुत सिंपल. जब मेरा वक्त खराब था आपने क्या कहा था? नहीं कर पाएगा. आज अच्छा है तो मैं करके दिखाएगा. समझ में आई बात? सो अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अबाउट परसेंटेज. मैं आपको जानबूझ करके मेरा मार्कशीट इसलिए दिखाया कि मैं आपको एक सिंपल सा मोटिवेशन दे सकूं कि जरूरी नहीं है कि लाइफ के अंदर में आपके परसेंटेज आपकी जर्नी को डिफाइन करेंगे. लेट मी टेल यू वन थिंग, आप किसी परसेंटेज के मोहताज नहीं है. सीए में सिर्फ एक चीज जो आपको करनी है, क्योंकि आज आप अपनी जर्नी चालू करने जा रहे हैं, सीए में सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट और फोकस्ड है अपने गोल को लेकर के, तो आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यस yes? और ये जो मैं आपको 48% दिखा रहा हूं, उसमें से मैं 4 साल गुजराती मीडियम में पढ़ा हूं. सो अगेन, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट अ बैरियर. मैं 4 साल गुजराती मीडियम में पढ़ा हूं, 1 साल हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, और बचा हुआ कॉन्वेंट में आके पढ़ा हूं. समझ में आ रही है बात? सो लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट द बैरियर. क्योंकि जब अपन ने ये चीज कंप्लीट करी, तो आज अगर मैं मेरी बात करूं, आई होल्ड अ सिल्वर प्ले बटन इन यूट्यूब. मुझे सिल्वर प्ले बटन है यूट्यूब पे, एंड माय प्रोफाइल्स आर वेरीफाइड एज वेल. प्लस अगर आप इंस्टाग्राम खोल करके देखेंगे, तो इट्स बीन अराउंड शायद 44K समथिंग कुछ अचीव कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैज मोर देन यू नो 500K लाइक्स, अमॉन्ग्स विच वन इज 200 मिलियंस क्रॉस. तो अब मुझे बताइए, इस पूरे अचीवमेंट में, खैर ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, स्टूडेंट्स का प्यार है, बट ये जो अचीवमेंट है, कभी 48% पे लाइफ में किसी ने सोचा होगा मैं ये कर पाऊंगा? इमेजिन, क्या हम किसी 48% वाले बंदे को ये सोच सकते हैं कि ये अचीव हो सकता है? एंड आंसर इज नो, आंसर इज नो. पूरे इंडिया की अगर बात की जाए, तो एट फाइनल्स वी टीच मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ईयरली एंड मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ईयरली इन इंटर. तो ये मेरे खुद घर वालों को यकीन नहीं था कि ये अचीव हो सकता है, बट यही चीज आपको भी प्रूव करनी है. लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. आप मराठी मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, गुजराती मीडियम से, या एनी अदर मीडियम से है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. पॉइंट नंबर टू, आप 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आएंगे, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप सीए में पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? थर्ड थिंग जो आपको चाहिए वो है खुद के अंदर एक जील कि मेरे को ये करना क्यों है. अंडरस्टैंड, वी हैव सीन मेनी मेनी स्टूडेंट्स जो आते तो कई रीजंस की वजह से. रीजन नंबर 1, मम्मी पापा ने बोला इसलिए करना है. रीजन नंबर 2, दोस्त कर रहा था और कॉमर्स में कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है, तो यही करने आ गए. तीसरा रीजन, सुन रखा था पैसे अच्छे हैं, इज्जत अच्छी है, इसलिए इस कोर्स में आना है, कहीं तो जाना है, तो यहां आ गए. कुछ चल ट्राई तो करके देखते हैं, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो एमबीए में तो चले ही जाएंगे अपन. ऐसे कई रीजंस हैं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बस एक गुड रीजन चाहिए इसको करने का. मेरे पास भी था, आपके पास बस एक गुड रीजन है ना कि यार मेरे को इस चीज के लिए ये करना है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू मोटिवेट यू अलोंग दिस कोर्स. यस, थ्रू आउट दिस कोर्स, ये कोर्स आपसे कुछ चीज जरूर ले लेगा. पॉइंट नंबर 1, ये चार साल में आपके पूरे नींद और चैन सब कुछ छीन लेगा. सर आप पहले दिन डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, एज अ फ्रेंड आपको समझा रहा हूं और पहले दिन से प्रिपेयर करके रख रहा हूं कि चढ़ना पहाड़ है, पर जब चढ़ जाओगे तो नजारा अच्छा दिखेगा. चढ़ना पहाड़ है, पर जब चढ़ जाओगे तो नजारा बहुत अच्छा दिखेगा, इस बात की गारंटी मेरी. यस, इस बात की गारंटी मेरी. दूसरा, ये कोर्स आपसे आपके दोस्त छीन लेगा. रीजन, अभी जो आपके 12th में दोस्त होंगे, स्कूल से जो बनते हुए आए होंगे, ऑब्वियसली 10th 12th के बाद सब अलग अलग हो गए, आपको टाइम भी नहीं देगा. इस कोर्स में रैगिंग नहीं होती. पूछो क्यों, पूछो ना क्यों. कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए पता नहीं चलता. कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए पता नहीं चलता. तो इस कोर्स में कभी रैगिंग नहीं होती. और चौथा, ये कोर्स आपको इतनी ज्यादा इज्जत देगा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की होगी. बहुत ज्यादा, पर मेहनत बहुत है, ईमानदारी से मेहनत बहुत है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना है लाइफ में, नहीं तो मैं लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. सारी मस्तियों के साथ ये किया जाता है.
यस आप 48% वाला हूँ, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर आपको आप भी फेल हुए या थ्रू आउट पास हुए? फेल हुए ना, मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे सीए में, पर इससे भी क्या मेरी जर्नी डिसाइड हुई? आंसर इज नो। तो या इस कोर्स में पास और फेल पे भी दिमाग मत लगाना आगे चल के, क्योंकि पास या फेल आपकी जर्नी डिसाइड नहीं करेगा, आप कितने कंसिस्टेंट है इस कोर्स के साथ वो डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट के पीछे मेहनत करते रहो, आप अपने सब्जेक्ट के पीछे मेहनत करते रहो, काम खत्म। एक हद फेलियर आपको रोक नहीं सकता, यस, और एक कागज की टुकड़ा दैट इज डिग्री या परसेंटेज ये डिसाइड नहीं कर सकती कि तुम लाइफ में किधर चल जाओगे। तो ये चीज बिल्कुल याद रखो इस कोर्स के अंदर में, बाकी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस है। कई बार तुमको ऐसा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि साला मेरे से वो ज्यादा आगे निकल गया, मेरे को वो पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यस ऐसी बहुत सी चीज होगी, बट बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, राइट? सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यू नो सब कुछ दूं, क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा क्या? मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, खुद आप भी नहीं दे सकते, पर हाँ ये एक रिस्क है और रिस्क देगा बहुत कुछ। बस एक ही चीज करना, टिके रहना और मेहनत लगा करके पढ़ना, तगड़े तरीके से पढ़ना, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। समझ आ रही है बात? और कोई सवाल ऐसा जो आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए, यहीं पे क्लियर कर लेना चाहिए? नहीं, चलो आगे आएंगे। लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं इस अजम्पशन से पढ़ाता हूं कि आप सब मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, ये अजम्पशन ठीक है। दूसरा अजम्पशन मेरा ये है कि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता, ये भी अजम्पशन ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इकोनॉमिक्स कहां से आया हुआ शब्द लगता है आपको? भैया आया होगा तो किसी ने तो लाया होगा, ये सुनो, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। बिल्कुल सही जवाब, इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक के लोगों के दो ही काम थे, दूसरा था वर्ड बनाना। इकोनॉमिक इज अ, बोले जल्दी से, ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया। इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया विच मीन्स द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड, विच मीन्स द लॉ ऑफ, बोलो बेटा, हाउसहोल्ड। अब ये लॉ ऑफ हाउसहोल्ड हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या होता था, इकोनॉमिक्स ये ग्रीक वर्ड जरूर है, लेकिन इंडिया में ये वर्ड और भी पुराना है। खैर अंग्रेजों ने हमारा पढ़ाई का सिस्टम चेंज कर दिया, अदरवाइज हम इसे अर्थशास्त्र बुला रहे होते। आपको पता है श्री चाणक्य जी ने बहुत पहले ही इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र नाम दिया गया था, और अर्थशास्त्र में रूल्स लिखे थे किंगडम की इकोनॉमी को वर्णन कैसे किया जाता है। तो हम इसे लॉ ऑफ हाउसहोल्ड क्यों कह रहे हैं? यहां पे हाउसहोल्ड का मतलब है एक घर जिसको चलाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, और आपको इस तरह से कुछ प्लान करना होता है कि जितनी इनकम आ रही है उसमें से अपनी जरूरतें पूरी करें, कुछ फ्यूचर के लिए सेव करें, और बचा हुआ जो अमाउंट है, राइट, ये फर्दर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए रख लें। और इस तरीके से इकोनॉमिक्स करता क्या है, इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपकी जितनी इनकम आई उसे एलोकेट करने में इन सच अ वे कि आपकी मैक्सिमम जरूरतें पूरी हो सके। यस, आप सभी को पता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड, एक घर चलाने का सही तरीका। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रो हुआ, एक घर चलाने से एक शहर चलाना, एक स्टेट चलाना, और उसके बाद पूरा कंट्री चलाने जितना वाइड हो गया, और तब जा करके माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग किया गया कि भैया एक छोटी चीज को चलाना और एक बड़ी चीज को चलाना दोनों में फर्क है। ऐसा नो, साइकिल और रॉयल एनफील्ड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, तो साइकिल चलाना और रॉयल एनफील्ड को चलाना, ये दोनों अलग एक्सपीरियंस है, ये दोनों अलग बात है। और इसी के लिए क्या होता है, लॉ ऑफ हाउसहोल्ड अलग तरीके से वर्क करता है। सो इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, कौन सा बेटा, ऑइकोनॉमस या ऑइकोनॉमिया, द लॉ ऑफ हाउसहोल्ड। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर, सर आखिर ये वर्ड लाया है तो किसी ना किसी ने तो लाया होगा, मतलब कोई तो पप्पा रहा होगा। हम पढ़ते हैं ना, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ नेशन, देन दैट दैट। तो ये इकोनॉमिक्स में हम किसको फादर मानते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स?
हाँ, बाबा एडम स्मिथ, यस, एडम भाऊ स्मिथ, बाबा एडम स्मिथ। तो चलिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई साहब? एडम स्मिथ। अब इनको ही क्यों कहा जाता है, इनको ही क्यों कहा जाता है, मन में कभी सवाल नहीं उठा? नहीं सर, हमारे को तो 12th में बताया था एडम स्मिथ, हमने याद कर लिया। इनको ही क्यों कहा जाता है, जानते हो क्यों? जानना चाहते हो? चाय पिलाओगे? हाँ या हाँ, सुनो, एडम स्मिथ, देखिए, जब तक के एडम स्मिथ नहीं थे, इसके पहले बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए और इनके बाद भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए, पर एडम स्मिथ को इतना रिकॉग्नाइज क्यों किया गया, उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन था। अब तक के जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे तो हम लॉ ऑफ हाउस होल्ड पढ़ते थे, एक घर, एक किंगडम या एक राज्य को चलाने का तरीका। एडम स्मिथ वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही हैज रिटन अ बुक, इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक व्यक्ति, एक घर, एक सिटी के बारे में बात नहीं करी, नेशनल इकोनॉमिक्स की बात करी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने देश की बात करी, ना कि खुद की, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक किंगडम, एक राज्य या खुद की बात नहीं करी, इन्होंने बात करी वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक को कंसिडर किया जाता है एज द मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। और जब इन्होंने नेशन की बात करी, ये बुक आई थी इन द ईयर 1776। ये बड़ी होके एमसीक्यू बनेगी, ये लाइन बड़ी होके क्या बनेगी? एमसीक्यू। तो इन्होंने पहली बार इन द ईयर 1776 में बुक लॉन्च करी एंड गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स, क्योंकि इन्होंने एक नेशन का वेल्थ मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उस पर बात करी। एंड दैट इज द रीजन एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज, बोलो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं करी। चाणक्य जी की भी अगर हम बात करी जाए तो उन्होंने किंगडम पे बात करी, लेकिन तब तक के ऐसा नेशन नाम की कोई चीज होती नहीं थी, किंगडम नाम की होती, तो उन्होंने किंगडम पे बात करी और इन्होंने नेशन के ऊपर बात कर ली। और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ब्रॉडर पिक्चर देखा, ना कि स्मॉलर पिक्चर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है बेटा? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ हाउस होल्ड। किसे फादर माना जाता है, बोलो जल्दी से? एडम स्मिथ। कौन सी बुक है बताओ जल्दी से? वेल्थ ऑफ नेशंस इन द ईयर 1776। यस और नो? यस। अच्छा जी सर, सर आखिर इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है? आखिर इकोनॉमिक्स हेल्प क्या करता है? इकोनॉमिक हेल्प टू सॉल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ, बोलो, इकोनॉमिक्स। नाउ एनी वन, वट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक्स? बताइए, वट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक्स? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आइए मैं आपको समझाता हूं, वट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? वट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? मालिक, इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रॉब्लम है ह्यूमन वॉन्ट्स आर, बोलो बोलो, बोलते जाओ, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड या लिमिटेड। यस और नो? सो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। इच्छाएं तो हमारी बहुत सारी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इसे शायरी में कहना चाहूंगा, ठीक है? शायरी के कुछ रूल है, आज ही समझ लो, ये जरूरी है लेक्चर के बीच में, ठीक है? चालू होने से पहले होता है इरशाद, चालू होने से पहले क्या होता है? इरशाद। उसके बाद में फर्स्ट पैरा आता है, फर्स्ट पैरा के टाइम पे होता है वाह, और एंड में, मतलब यहां पे गया बहुत खूब, यहां पे गया उंदा, एक तरफा, जो दिल में वर्ड है वो, सभ्यता सहित।
ठीक है, चलो इरशाद करो, इरशाद। हाँ जी, कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। हाँ, अब तुम सही जा रहे हो। हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। मीनिंग समझिए, हर उम्र में शौक बदलते हैं। हर उम्र में क्या बदलते हैं? शौक। हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा, हर उम्र में शौक बदलते हैं। पहले क्या चाहिए था? खिलौने। आप सोच के देखिए, बचपन में हमें क्या चाहिए था? खिलौने। यस, लड़कों को भी बार भी चाहिए था, पता ही नहीं था उसके साथ करना क्या है। अरे मेरा कहने का मतलब है, लड़कों को भी बार भी चाहिए था, पता ही नहीं था बार भी के साथ किया क्या जाता है। समझ में आ रही बात? तो पहला हो गया खिलौने, फिर हो गया माशूका। अभी आप जिस एज में हैं, बराबर है, पहले दिन क्लास में आती अपन देखते हैं, हाँ सब बराबर है, तेरी भाभी है, तेरे जीजू, जीजू। पहले खिलौने, फिर क्या चाहिए? माशूका। माशूका मतलब समझ रहे हो ना, फिर चाहिए रुतबा। फिर आप थोड़े और बड़े होते हो, जैसे आप मेरे एज में आ जाओगे, अपन बोलोगे बेटा पढ़ ले, अभी भी मौका है, प्यार व्यार सिर्फ एक धोखा है। तो अब मेरे इसमें आओगे, अपने को क्या चाहिए? रुतबा। भाई ठीक है, अब जो करना था अपन ने कर लिया, अब अपने को चाहिए इज्जत, अपन बन गए गुड्डू पंडित, अपने को चाहिए फुल इज्जत, भैया अपन इज्जत। और फिर आता है एक हमारे दादाजी का टाइम, खुदा खुदा। क्या करते रहते हो बेटा, भगवान का नाम लो, यही सही है। तो वापस सुनिए, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और एंड में क्या आता है? खुदा खुदा। है या नहीं है? इन सभी चीजों में देखो, ह्यूमन वांट कहीं रुकी नहीं। पहले खिलौने चाहिए थे उस आदमी को, उसके बाद में उसको माशूका चाहिए थी, फिर उसको रुतबा चाहिए, एंड में जाते जाते भी खुदा खुदा चाहिए ही चाहिए। ये सुनो, खुदा खुदा चाहिए ही चाहिए, मतलब इसमें उसकी वांट सीधी सीधी शो हो रही है, दैट इज वांट इज अनलिमिटेड। कहीं यहां लिमिट का काम ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये मिल गया मैं रुक जाऊंगा अब नहीं। ह्यूमन वांट हमेशा से अनलिमिटेड रही है, एक चीज खत्म होती नहीं, उसको दूसरी चीज चाहिए। पहले क्या था? भगवान मैथ्स में पास करा दो, उसको बहन की नजर से देखूंगा टेंथ में। बराबर है, पहले साला टेंथ का टेंशन था, टेंथ का टेंशन क्लियर हुआ नहीं, ट्वेल्थ का टेंशन आ गया। आज तुमको काय का टेंशन चल रहा है? ट्वेल्थ का। भगवान सच्ची बहन की नजर से देखूंगा, बहन राखी बनवा लूंगा, वो एक निकाल दो, कौन सा? मैथ्स निकाल दो भगवान। इसके बाद क्या आ जाएगा? फाउंडेशन निकाल दो भगवान। फिर आ जाएगा इंटर निकाल दो भगवान। फिर आएगा सीए बना दो भगवान। फिर आएगा अच्छी जॉब मिल जाए, बस अच्छी जॉब मिल गई, लड़की अच्छी मिल जाए, सब सेटल कर दो भगवान, लड़की लड़का मिल गया भगवान, बस बच्चे दो ही ठीक है अपने, दो आगे तो खैर भगवान की मर्जी है। बच्चे हो जाए सर, बस मतलब मान लेंगे प्लीज भगवान, वो हो जाए बस, बच्चे का एडमिशन सही तरीके से हो जाए भगवान स्कूल में, वो खत्म होगा नहीं, बच्चे का दसवां अच्छी से निकल जाए भगवान। साला अपनी डिमांड जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रही, ये सुनो, ये कभी खत्म ही नहीं हो रही। एंड इकोनॉमिक्स में भी ये प्रॉब्लम है, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसको हर बार कुछ ना कुछ चाहिए, मिलता मंगता अभी दो, इच्छाएं उसकी खत्म नहीं होती एक से, आई मीन टू से एक ही प्रोडक्ट से उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन हमको जो चाहिए वो अनलिमिटेड है क्या? सोच के बताना, हमको जो चाहिए जो अच्छा लगता है वो अनलिमिटेड है क्या? नहीं, वो कैसा है बेटा? लिमिटेड। और यही इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है बेटा, बोलो जल्दी से, इकोनॉमिक्स। यस, चलो जल्दी से एक बार देखिएगा, यस बोलो जल्दी से, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड, कौन सा है बेटा ग्रीक वर्ड? इकोनॉमिया। इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ हाउसहोल्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन्होंने अपने बारे में नहीं, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, नेशन के बारे में सोचा, वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर। बोलो इकोनॉमिक्स क्यों लाया गया है, क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स? बिकॉज ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देगा, कम रिसोर्सेज में भी कैसे आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकते हो उस बारे में ये बात करेगा। एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केर्ड। क्लियर है मालिक? अब ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स का बेस मजबूत करेंगे। अगले दो दिन इकोनॉमिक्स का हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? बेस मजबूत करेंगे। नो डाउट आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पर मैं चाहता हूं आप कुछ वर्ड्स पहले ही पढ़ ले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले।
तो अगले दो दिन हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के अलग 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 बेस मजबूत करते जाएंगे और फिर इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर वन में एंटर कर देंगे। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है, क्या है, हम कल डिस्कस करेंगे। कल आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको रजिस्टर लाना है, कितना, 200 पेजेस का मैक्स हो जाएगा। 200 पेजेस का एक रजिस्टर रखिएगा, मल्टी कलर पेन रखिएगा, एक ब्लैक, दूसरा जो आपकी इच्छा हो वो कलर ले लेना। एक हाईलाइटर रखना अपने साथ, क्या रखोगे, हाईलाइटर और एक कैलकुलेटर। मेरे को इकोनॉमिक्स में बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। इकोनॉमिक्स में आपने इतनी चीज़ें लेकर के आना, कल से हमारा राइटिंग पार्ट और बेसिक कंप्लायंस पार्ट भी पूरा होगा, तो ये साथ साथ में चलता जाएगा एंड विल डू इट। हो सकता है आप में से जितने बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, इनको कोई डाउट आ जाए, पहला रूल, बिंदास क्लास में पूछ ले, कोई तकलीफ नहीं है। किसी भी तरीके का डाउट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बिंदास पूछ, कोई तकलीफ नहीं है। मान ले तू सेल्फ स्टडी कर रहा है, तेरी इच्छा हो गई कि भैया सवाल अब भी के अब भी चाहिए, ले भाई ये मेरा नंबर है 8956651954, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। जब भी आप कोई क्वेरी भेजेंगे, आप भले ही यू नो कहीं से भी हो, जब भी आप कोई क्वेरी भेजेंगे प्लीज़ होल्ड ऑन, इमीडिएट रिप्लाई एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं वाइफ को भी नहीं करता मेरे, राइट। तो इमीडिएट रिप्लाई मत कीजिएगा एक्सपेक्ट, बट हाँ मैं 48 आवर्स के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँ इसका। तो यहाँ पर दूसरा तरीका है, आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तीसरा, आपको दो तरीके की बुक मिलेगी, एक होगी आपकी रेगुलर बुक जिससे हम कंटेंट करेंगे प्लस एमसीक्यू करेंगे, एक होगा सिर्फ एमसीक्यू बुक, मतलब जिससे हम और एडिशनल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लगभग अगर सारे मिला लें तो करीब 1500-2000 एमसीक्यू हम इन टोटल सॉल्व करेंगे पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर में, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, राइट। तो 1500-2000 इकोनॉमिक्स सारे टॉपिक को मिला करके हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड ये नंबर है, आप इसके ऊपर क्या करवाएंगे, व्हाट्सएप कर पाएंगे। इज दैट डन? यस, रुकेंगे हम यहीं, मिलूंगा आपसे कल। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, बोलो।